नालागढ़ के तहत अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बघेरी प्रबंधन द्वारा चालकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने को लेकर ट्रक चालकों द्वारा किया गया प्रदर्शन। अल्ट्राटेक प्रबंधन के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। ट्रक चालकों का कहना, ट्रकों की पार्किंग ग्राउंड है कच्चा, जिसके चलते उठने वाली धूल से ट्रक चालक गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे। ट्रक चालकों के लिए नहीं कोई शौचालय व ठहरने के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था। फैक्ट्री के कर्मचारी भी करते हैं ट्रक चालकों से दुर्व्यवहार। ट्रक चालकों ने दी चेतावनी, अगर नहीं बदली गई व्यवस्था तो आंदोलन करने को होंगे मजबूर। मनमाने तरीके से जो मजदूरी कराई जाती थी और तनख्वाह उनको मनमाने तरीके से दी जाती थी, आज ड्राइवर साथी जो है देश भर में उसको इतना दरकिनार कर दिया गया है हर सुख सुविधा से। ना तो उसका कोई टाइमिंग है, ना उसका गाड़ी चलाने का समय है, ना उसका खाना खाने का समय है, ना उसका सोने का समय है। कोई उसके ऊपर व्यवस्था काम नहीं कर रही है। 24-36 घंटे सीटों पर बैठने के बाद जब इन कंपनियों में हम लोग पहुँचते हैं, जब हम लोग कहीं पर अपना माल ले करके जाते हैं या कहीं से माल लोड करना होता है, वहाँ के जो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो हमारे साथ मार पिटाई की जाती है, चाहे रोड के ऊपर देखते हैं आप, चाहे कोई कांटे पे तंग कर रहा है, या हमारी गाड़ियों का कांटा समय से निकल रहे हैं, अंदर फोन चला रहे हैं, अपना ड्राइवर को नहीं देख रहे हैं कि वो कहीं रात का आया, वो चलो उसका टाइम से उसको गाड़ी उसकी बाहर निकाले। ऐसी व्यवस्था है लगाई हुई गाड़ियां कोई इधर की उधर, जहां पे 500 गाड़ी चलनी चाहिए, जहां पे 10 गाड़ी 50 गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, वहां 500-500 गाड़ियां खड़ी करते हैं। टूटती है आपस में गाड़ियां, नहीं टूटती है। क्यों टूटती है आपके ग्राउंडों में आपस में? क्यों लड़ते हैं ड्राइवर आपस में? इसीलिए लड़ते हैं ना, एक के साथ एक की गाड़ी टच हो जाएगी, लग जाएगी। व्यवस्था नहीं है कोई, व्यवस्था नहीं है। कहीं भी रोड पे जाते हैं आप, रोड पूरे नहीं है आपके, किसी ने अपनी ट्राला जो है थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है, दूसरी गाड़ी के साथ जब जाकर के टच हो जाएगा तो ड्राइवर और ड्राइवर आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? जबकि इसमें गलती ड्राइवरों की नहीं है। ड्राइवरों ने क्या करना है? जब व्यवस्था ही ऐसी होगी तो ड्राइवर आखिरकार क्या करेगा वहां पे जाकर? एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे के साथ मार पिटाई करेंगे, एट दी एंड क्या होगा? कोई हल नहीं निकलता। नालागढ़ के तहत अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बघेरी प्रबंधन द्वारा चालकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने को लेकर ट्रक चालकों द्वारा किया गया प्रदर्शन। अल्ट्राटेक प्रबंधन के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। ट्रक चालकों का कहना, ट्रकों की पार्किंग ग्राउंड है कच्चा, जिसके चलते उठने वाली धूल से ट्रक चालक गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे। ट्रक चालकों के लिए नहीं कोई शौचालय व ठहरने के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था। फैक्ट्री के कर्मचारी भी करते हैं ट्रक चालकों से दुर्व्यवहार। ट्रक चालकों ने दी चेतावनी, अगर नहीं बदली गई व्यवस्था तो आंदोलन करने को होंगे मजबूर। मनमाने तरीके से जो मजदूरी कराई जाती थी और तनख्वाह उनको मनमाने तरीके से दी जाती थी, आज ड्राइवर साथी जो है देश भर में उसको इतना दरकिनार कर दिया गया है हर सुख सुविधा से। ना तो उसका कोई टाइमिंग है, ना उसका गाड़ी चलाने का समय है, ना उसका खाना खाने का समय है, ना उसका सोने का समय है। कोई उसके ऊपर व्यवस्था काम नहीं कर रही है। 24-36 घंटे सीटों पर बैठने के बाद जब इन कंपनियों में हम लोग पहुंचते हैं, जब हम लोग कहीं पे अपना माल लेकर के जाते हैं या कहीं से माल लोड करना होता है, वहां के जो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो हमारे साथ मार पिटाई की जाती है, चाहे रोड के ऊपर देखते हैं आप, चाहे कोई कांटे पे तंग कर रहा है, या हमारी गाड़ियों का कांटा समय से निकल रहे हैं, अंदर फोन चला रहे हैं, अपना ड्राइवर को नहीं देख रहे हैं कि वो कहीं रात का आया, वो चलो उसका टाइम से उसको गाड़ी उसकी बाहर निकाले। ऐसी व्यवस्था है लगाई हुई गाड़ियां कोई इधर की उधर, जहां पे 500 गाड़ी चलनी चाहिए, जहां पे 10 गाड़ी 50 गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, वहां 500-500 गाड़ियां खड़ी करते हैं। टूटती है आपस में गाड़ियां, नहीं टूटती है। क्यों टूटती है आपके ग्राउंडों में आपस में? क्यों लड़ते हैं ड्राइवर आपस में? इसीलिए लड़ते हैं ना, एक के साथ एक की गाड़ी टच हो जाएगी, लग जाएगी। व्यवस्था नहीं है कोई, व्यवस्था नहीं। कहीं भी रोड पे जाते हैं आप, रोड पूरे नहीं है आपके, किसी ने अपनी ट्राला जो है थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है, दूसरी गाड़ी के साथ जब जाकर के टच हो जाएगा तो ड्राइवर और ड्राइवर आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? जबकि इसमें गलती ड्राइवरों की नहीं है। ड्राइवरों ने क्या करना है? जब व्यवस्था ही ऐसी होगी तो ड्राइवर आखिरकार क्या करेगा वहां पे जाकर? एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे के साथ मार पिटाई करेंगे, एट दी एंड क्या होगा? कोई हल नहीं निकलता।